माननीय श्री अब्दुल खान सम्मानीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम उपनिर्वाचनबाट विजय हासिल गरी आजै शपथ लिएर आउनुभएका मान्यजीहरूलाई म मा जनमत पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु खास गरी नेपालको इतिहासमा र अहिलेको वर्तमान अवस्थासम्म आउँदाखेरि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदाखेरि मुस्लिम समुदाय को अहम भूमिका का रहते आयोग सर्वविदित भर्खर यह दुई हजार अस्सी एक महीना नौ गतेंपन्न मुस्लिम समुदाय को महान जाट पर्व ईद उल फित्र अर्थात ईद में दीद को एक दिने विदापनी योरकार कटौती प्रति मुस्लिम समुदाय साहे चिंतित बने इसको जवाब सभामुख मार्फत म सरकारसंग सोन चाहन्छु कि एक दिने विदा को लगी के मुसलमान रगत बगर पहचानवादी लड़ाई लड़ते आया सम्माननीय प्रधानमंत्री प्रचंड जीवले मुसलमान एक दिने बिदा कटौती के वहाँलाई लाज लागे ना। यो कुरा कूराप्रति सरकार गंभीर होन ही पर्च अर्क अ यो मधेश प्रदेश में कस्त प्रकार को जंगल रा, रावण राज चली रहे को मा रखे मसद सभा सभामुख मार्फत यो कुरा चाहे वहाँ बता चाहू मधेश प्रदेश का सभासद माननीय भागीश्री चौधरी को सिरहा मिर्चैया स्थित घर में विपक्षी पार्टी द्वारा वैशाख बाह गते राति एगारह बजे पैंतालीस बजे पेट्रोल छर्की आगो लगने प्रयास वहाँ को दोष के थी मिर्चैया नगरपालिक प्रमुख ने डोजर चलाने कुछ को विरोध में हस्ताक्षर वहांताक्षर हस्ता करूको ये मोष थी वहां को सम्मान्य सभामुख महोदय बैशाख बाह गते नई धनुषा सहित नगरपालिक सेवाल लीना ज्यादा जनमत पार्टी का शहीद नगर प्रतिनिधि वीरेन्द्र कुमार यादव मथि तहाँ का निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा तो प्रशासकीय अधिकृत ने हाथपात गई अंग भंग अवस्था छ घटना स्थानीय सरकार प्रतिनिधि द्वारा दिनहुदा प्रहरी प्रशासन ने आम जनता सुरक्षा कानूनी राज्य को प्रत्याभूति दिला सकते के नेपाल प्रहरी नागरिक को जीवधन को रक्षा करना असमर्थ नहीं जवाब दिस् नागरिक आप रक्षा आप तैयार धन्यवाद जय सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज